वेलकम टू साउथनाथ भोजन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार दही भिंडी रेसिपी। ये बनाने में बहुत आसान है, ये झट से बन जाता है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। चलिए ये कैसा बनाने का हम देखेंगे। दही भिंडी बनाने के लिए हमने इधर आधा किलो भिंडी लिया है। भिंडी को धो के एक कपड़ा से पोंछ के लिया है। चलिए अभी भिंडी को काट के लेंगे। भिंडी को दोनों साइड का काट के लेना है। एक भिंडी को दो पीस करना है, बीच में से थोड़ा से काट के लेना है। वैसा ही अभी हम सब भिंडी को काट के लेंगे। हमने अभी सारा भिंडी को काट के ले लिया है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सब्जी बनाने के लिए हमने दो कांदा लिया है। कांदा को हम बारीक काट के लेंगे। हमने अभी प्याज काट के ले लिया है। देखिए प्याज को ऐसा ही काट के लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने गैस चालू किया है, एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाला है। तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया है, इसी में अभी हम जो काट के लिया भिंडी डालेंगे। भिंडी को 75% तक सॉटे करके लेना है। देखिए भिंडी का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अभी हम एक प्लेट में निकालेंगे। अभी हम उसी तवा में ही 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसी में ही 1 चम्मच जीरा, 4 फोड़नी होने देंगे। जो कांदा काट के लिया है वो ऐड करेंगे। से सॉटे करना है। इसी में ही 1/2 चम्मच नमक, प्याज का कलर चेंज हो गया है, इसी में ही अभी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, ये होममेड गरम मसाला है, 1 चम्मच गरम मसाला। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम में ही रखना है। 2 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है, अभी हम सॉटे करेंगे। देखिए प्याज अच्छे से पक गया है। इसी में ही हमने इधर 2 टमाटो को प्यूरी करके लिया है, वो ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच कश्मीरी चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे एक कलर के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे।
टोमेटो को कच्चापन निकलने तक हमको सॉटे करके लेना है। अभी देखिए तेल अलग से चुटने लगा है, अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये मसाला को थोड़ा ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो गया है, इसी स्टेज में हमने आधा कप दही लिया है। दही को अच्छे से हिलाने का है। इसी में ही ऐड करेंगे गैस चालू नहीं किया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम में दही डालेंगे तो जल्दी फट जाएगा, इसके लिए गैस बंद करके मसाला को ठंडा होने के बाद हम दही ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही गैस चालू करने का है। अभी तक हम गैस नहीं चालू किया है। अच्छे से दही और मसाला मिक्स हो गया है, अभी हम गैस चालू करेंगे। गैस को मीडियम में ही रखना है। इसी में ही भिंडी डालेंगे। मिक्स करेंगे। इसमें अभी आधा ग्लास पानी डालेंगे। इधर ग्रेवी वाला सब्जी बना रहे, इसके लिए आधा ग्लास पानी ऐड कर रहे। ढक्कन से 5 मिनट ढक्के रख के पकाएंगे। अभी 5 मिनट हो गया है, ढक्कन खोल के देखेंगे। देखिए तेल अलग से चुपने लगा है। इसी स्टेज में आधा चम्मच गरम मसाला, बारीक कटा वाला धनिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। हम गैस बंद कर देंगे। हमारा दही भिंडी रेसिपी रेडी है। अभी हमारा दही भिंडी मसाला रेडी है। आप भी अपना घर पे बना के देखिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक करके रखिए।